हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की चार्ट की। देखेंगे कि आपको मंडे के दिन में कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और आपको इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बैंक निफ्टी की चार्ट की। तो देखिए, बैंक निफ्टी की चार्ट ने 15 मिनट के चार्ट पर हम देखें तो अपने बिल्कुल सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लिया है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाकर दिखाऊं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट ये रहा। आप देखोगे पिछले 3 बार से लगातार यहीं से इस लाइन की स्टैंड लाइन के आसपास से ये बाउंस बैक कर रहा है। और एक बड़े सपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग रही है और बिल्कुल ठीक यहीं से आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसी जगह से इसने बाउंस बैक किया है। यहाँ पर इसने जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच किया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से आपको एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें पहले भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें अगर मंडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल की, तो देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देखोगे यहाँ से हमें एक ब्लू स्टेट देखने को मिल चुका है। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँ तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाता है या थोड़ा सा गैप ओपन करता है 35,600 के ऊपर, तो यहाँ से आपको एक बाई साइड देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। टारगेट आपका काफ़ी आसानी से 35,800 का हो जाएगा। बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो देखिए स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा रेंज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेंज हमारे पास है, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो आपको कम से कम 150 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 35,450 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर और भी ज़्यादा ऊपर ओपन करता है, 35,650, अगर देखिए बैंक निफ्टी 35,650 तक ओपन करता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप ओपन करता है, लाइक ये 35,800 के ऊपर ओपन करता है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा अपने आपको नीचे आकर एक रेंज बनाएगा। यहाँ से जब एक रेंज बनाएगा फिर एक सस्टेन करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आप उस टाइम पर थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। बात करें अगर सेल साइड की, तो देखिए सेल साइड में बैंक निफ्टी में जब तक इस ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक नहीं करता है, यानी कि आप बात करें अगर 35,370 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, तब तक आपको इसमें सेल का कोई भी साइड देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर सेल साइड की, तो आपको इसको सेल करना है 35,370 के नीचे। स्टॉप लॉस रखिए इसमें आपको 35,520-530 का रखना पड़ेगा। और टारगेट की बात करें तो देखिए अगर यहाँ से 35,370 के नीचे निकलता है तो हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है, यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी से एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास इस लेवल तक कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, तो काफ़ी बड़ा रेंज है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के देखते हैं कि इसमें कैसे परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकती है। मैं आपको उससे पहले बैंक निफ्टी की फिर से इंपॉर्टेंट लेवल बता सकते देते हूँ। अगर बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। 35,600 से 35,650 तक अगर ये ओपन होता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इसमें 35,450 का स्टॉप लॉस रखोगे। फर्स्ट टारगेट आप 35,800 का रखोगे, उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 35,970-980 के टारगेट लिए भी आप जा सकते हो और वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेल साइड आप तभी करोगे जब 35,370 के नीचे निकलेगा। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें आपका 35,520 का। बात करें निफ्टी की चार्ट की, तो देखिए निफ्टी चार्ट ने हावरली चार्ट पर लगातार निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के ही चल रहा है। आप देखोगे जरा से भी इसमें डाउन रेंज देखने को मिलती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और वहां से एक बाउंस बैक दे लेता है। आप देखोगे अगर यहाँ से ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ रहा इस ट्रेंड लाइन का, और लगातार इसी के साथ ट्रेड कर रहा है। और हमें अपर साइड से भी एक रेंज देखने को मिल रही है यहाँ पर, और ये रेंज काफी छोटी होती जा रही है। आप देखोगे शुरू में यहाँ पर हमारे पास काफी बड़ी रेंज थी, धीरे 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 रेंज छोटी होती जा रही है और इसी के साथ निफ्टी का रेंज भी, मूवमेंट का रेंज भी छोटा होता जा रहा है। कल के दिन अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल की कि आपको इसमें इंट्राडे में कौन से लेवल पर आप सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो, तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं क्या लेवल्स हैं। देखिए बात करें अगर बाई बाई साइड की, तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से इस रेंज के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ से और निकलता है 35,730 के ऊपर, तो आप इसमें बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसमें 15,680 का। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आप 35,730 के ऊपर एंट्री करके आप 50 पॉइंट का स्टॉप रख सकते हो और आप 50 से 60 पॉइंट का आप टारगेट के लिए जा सकते हो। इंट्राडे के लिए काफ़ी इजी और स्मॉल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। बात करेंगे सेल साइड की, तो देखिए सेल आप इसमें तभी करोगे, आप देखोगे यहाँ पर एक हमें रेंज देखने को मिली है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ है,
इस ट्रेंड लाइन के जब भी नीचे निकलता है, यानी कि 35,650 के नीचे ट्रेड करता है, तभी आपको इसमें सेल करना है। 35,650 माफी चाहूंगा, 15,650 के जरिए नीचे निकलता है तो आप इसमें सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आज में आपका 15,710 का। और टारगेट की बात करें तो आप देखिए, टारगेट आप 15,600 और 550 के आसपास जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।